हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका वृत्तों से संबंधित। 10th ही बोला है, अच्छा 12 पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, 10th ही है क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी रहेगी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने आपको वृत्त के बारे में बताया था और 1 से 4 नंबर तक के सवाल बताया था, तो बच्चों को वो अच्छे से आ गए होंगे। तो ओके, और वृत्त के बारे में जान गए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार पहली वाली क्लास जरूर देख लेंगे, ठीक है। वृत्त के बारे में देख लेंगे, फिर सवाल को पढ़ेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 5 नंबर सवाल से, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर सवाल में क्या लिखा है। लिखा एक दौड़ने का मार्ग, देखिए इसकी लैंग्वेज वाले सवाल है और लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दें, यानी भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, जो इस पे ध्यान दे लेगा उसको सवाल समझो आ गए, ठीक है। तो लिखा है एक दौड़ने का मार्ग, ठीक है, वलयाकार है, ठीक, वलयाकार आपका, ठीक है, गोली होता है वृत्त की टाइप में, ठीक है, वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है, ठीक। दौड़ने का मार्ग, देखो दौड़ने का मार्ग ऐसे है, ये है आपका, तो बना देते हैं, ये आपका एक मार्ग है दौड़ने का, बच्चे यहाँ पे दौड़ते हैं, ठीक है, ये मतलब बनाया गया है दौड़ने के लिए। भाई ग्राउंड में जाते तो यही तो होता है, यही तो असल में दौड़ते ना ग्राउंड में गोल गोल करके, ठीक है। अब क्या किया गया है यहाँ से, अब इसकी अंतः परिधि, भाई बाहर इधर होगा अंदर ये होगा, ठीक है, जो अंतः परिधि है यहाँ से, ये परिधि की बात कर रहे हैं, ये त्रिज्या हो गई इसकी, इसको मान लेना R1 त्रिज्या, ठीक है, इस वाले को आप R2 मान लेना, ओके, ठीक है। ये गोल वलयाकार आपका मैदान है, ठीक है, जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वृत्त बनेगा वो R1, यहाँ से लेकर इसको आप R2 मान, ठीक है। अब देखो आगे आपका क्या कहा, आगे कहा है अंतः परिधि, अंदर वाले की अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि कितनी है 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है, यही चौड़ाई होगी, ओके, और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसकी परिधि दिए है, इसकी परिधि दिए है, ठीक है, आपको R1 R2 दिया है, नहीं दिया है, दिया है इसमें, नहीं दिया है। अगर R1 R2 देता तो क्या करते हैं हम, भाई आपको समझो ये, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको निकालना ये है, समझिएगा पहले, जैसे हमारा गोला बना हुआ है छोटा सा गोला, से ये गोला बना हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा ये बना हुआ है। अगर मुझे एक किनारे एक का ये समझ ले कागज है, एक कागज है गोल गोल हमने काटा, ठीक है, उसमें से बीच से इसको अगर बाहर निकाल दें तो मेरा शेष ये बच जाएगा ना पर, तो वही करना है, पूरे बड़े वाले इसके क्षेत्रफल से हम अंदर वाले क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, नहीं माइनस कर लेंगे आपका निकल आएगा, यही तो होगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, त्रिज्या चाहिए, आर पता होना चाहिए ना, बस आर से पहले पता कर लो, ठीक। तो आर पता करने के लिए आप यहाँ पे देखो इसकी परिधि दी है, देखो ठीक है, इसकी पहले देखो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, अंतः परिधि, ठीक है, अंतः परिधि जो दी है देखो, अंतः परिधि, परिधि, ठीक है, अंतः परिधि, क्या परिधि का फार्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है 2πr, यहाँ पे R1 कर देना, ठीक है, अंतः परिधि कितना दे रहा है आपको 440 बराबर 2πr1, 2 से अगर हम इसको काट देंगे यहाँ पे बचेगा 22, यानी 220, और यहाँ पे पाई का मान रख दो, यहाँ पे क्या होता है बेटा 22/7 और इंटू में R1, 22 से 22 उठ जाएगा 10 बचेगा, तो इससे गुणा कराओगे तो R1 बराबर आ जाएगा 70, ठीक है, R1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर देखो अंतः परिधि हमने निकाल ली, अब बाहरी परिधि की बात कर रहा था, ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ पर बेटा क्या लिख लेंगे, बाहरी, बाहरी परिधि, ठीक है, बाहरी परिधि, तो बाहरी परिधि क्या हो जाएगी 2πr2 हो जाएगी, ठीक है, 2πr2 हो जाएगी, ठीक है। अब बाहरी परिधि देखो कितनी दे रहा है, 506 दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देना बेटा आप 506 2 × 22/7 R2, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 2 4
दो पंचे दस, दो अठी सोलह, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। ओके, दो दूनी दो दूनी चार, अच्छा हाँ हाँ, दो तीन छः, ठीक है। आप देखो ये किससे कटेगा, आप किससे काटेंगे, 11 से, ठीक है, 11 दूना 22, ओके, और यहाँ पे 11 दूना 22, भाई 25 से 22 लिए कितना बचा, 3, फिर 11 3 ओके। अब तीसरे गुणा करा दो, आर वन का देखो आर, यहाँ इसका इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका 23 × 7 = 2R2, पता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसका 7 से गुणा करा दो, इसमें क्या हो जाएगा, 7 प्रयोग 21, ठीक है, हासिल आया 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 16, और इस 2 का नीचे मल्टीपल करा दो तो ये हमारा आर टू निकल आएगा, ठीक है, आर वन 70, आर टू हमारा 61/2 हो गया, हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमारा आर वन आर टू निकल आया, अब जो होगा क्या होगा, जो लास्ट में आपसे बोला है, क्या बोला है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है ना, ठीक है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो मार्ग का क्षेत्रफल बेटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो बाहरी वृत्त है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ले लो, और फिर ये बीच वाला वृत्त है इसको बाहर निकालना है, यानी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, तो बाहरी वृत्त यानी क्या हो जाएगा पाई, ये क्या है आर टू है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आर टू है तो आर टू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बाहरी वृत्त की बात कर रहे हैं, लिख दें, ठीक है, तो पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब पाई दोनों में है तो पाई को बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा आर टू का स्क्वायर, तो आर टू आपका कितना है यहाँ पे 61/2, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम लोग 161/2 है, तो 161/2 का होल स्क्वायर यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर लो, ठीक है, माइनस लगाएंगे और आगे आर वन कितना है आपका 70, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई का मान रखना चाहो रख दो, कितना होता है 22/7 रख देना, यहाँ पे एक देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में उठा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है, ओके। इस फार्मूले को यहाँ पे रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 161/2 प्लस का 70, दूसरे में हो जाएगा आपका बेटा 161/2 माइनस का 70, ये ब्रैकेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, लासा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या डाउट हुआ, कोई डाउट है सवाल, तो फिर बात क्यों कर रही है, ठीक है, यहाँ हो गया, देख अब आगे देखिए, कोई बात नहीं कर नजर आ जाए करते हुए, बताइए क्या बात है, नहीं आप बताइए क्या बात है, हो गया, हाँ हम भाग दे देंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 161/7 × 14, 140/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 161 − 7 × 14 = 140/2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आप देखो क्या करना है आपको, 22/7 इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जीरो एक जोड़ोगे एक, 6 × 4 = 10, 2 × 1 = 3, 301 नीचे दो गुड़े में, एक गुड़े में आएगा इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका एक, इसके नीचे लिख देना तो यहाँ पर एक का आएगा और यहाँ 6 × 4 जाएंगे आपका 2 बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है, ओके, और नीचे आपका 2 बचेगा, ठीक, यहाँ भी ब्रैकेट आके इसको भी गुड़े में लिख दो, ओके, बताओ किसी बच्चे कोई डाउट, आप 7 × 7 = 21, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 1, ठीक, अब आपका कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, नीचे 2 बचा है, ऊपर बचा है उसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो यहाँ 11 इसका करा दो गुड़ा, क्या हो जाएगा 11 × 11, ठीक है, जब 0 हुआ करें तो पूरा हासिल साल लिख दिया करो, ठीक है, और 11 × 3 = 33 × 3/2, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका जो गुड़ा कराओ कितना आ जाएगा,
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ, तीन तीन नौ बटे में दो। अब दो को डिवाइड करा देना है, तो दो को डिवाइड करा देनी, भाग कर दो, क्या हो जाएगा, नौ नौ तीन तीन, तो दो चक्को आठ, एक बचा, ठीक है, नौ तालिया कितना हो जाएगा, दो नौया अठारह, कितना बचा, एक, तीन तालिया दो छंग बारह, एक बचा, फिर तीन उतारा, तीन नोट किया, फिर दो छंग बारह, कितना बचा, एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, दो पंचे दस, क्या जाएगा, उनचास, कितना जाएगा आपका, बराबर है उनचास छाछठ पॉइंट पाँच, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा चित्र, किसी बच्चे को जाओ, देखो इसमें ये समझ में आया किसी बच्चे को, मतलब थोड़ी हुई कन्फ्यूजन आ गया समझ में, तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल में देख लीजिएगा कि इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, ठीक है, ये था क्षेत्रफल आपका, इसमें चौड़ाई भी पूछा है, चौड़ाई भी पूछा ना, ये चीज़ को आपने नहीं देखा ना, हमने देखा पढ़ते समय, देखो क्षेत्रफल पूछा है और मार्ग की चौड़ाई भी पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मार्ग की चौड़ाई, मार्ग क्या है आपका, देखो यही तो मार्ग है, ये इसकी चौड़ाई निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालना है, अच्छा थोड़ा सा आप बताओ कैसे निकाल लोगे, सोचो चौड़ाई भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या पूरी R2 है, और R2 हमने निकाली, कितनी निकाली, एक सौ इकसठ बटे दो, और बात कर लें इतनी, हमें भाई पूरी त्रिज्या में से अगर इतने को हम घटा दें तो काम हो जाएगा, इतनी हो जाएगा ना, तो भाई तो मार्ग की चौड़ाई के बाद कर लेना, ठीक है, इसके बाद मार्ग या इसके पहले कर लेना, ठीक है, इसके पहले कर लेना, ये करना उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद ये कर लेना, चाहे लास्ट में कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब मार्ग की चौड़ाई, तो मार्ग की चौड़ाई की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, ओके, तो आर टू कितना है हमारा, एक सौ इकसठ बटे दो माइनस ये है सत्तर, माइनस करोगे एलसीएम लोगे दो मिलेगा, यहाँ पर 161 माइनस 7 दुना 14 140 घटा दो कितना आ जाएगा बेटा आपका 21 आएगा, वेरी गुड, दो इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, दो एकम दो, देख लो दो को 21 में डिवाइड करना है, दो एकम दो पूरा कर जाएगा, एक उतारोगे पॉइंट लगाओगे जीरो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक को नोट करोगे, ठीक, अब क्या करना है आपको, पॉइंट लगाना है और आपका जीरो बढ़ाना है, यही तो करना है बस, वो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, एक है दो एक का, अच्छा हाँ यहाँ पे शेष फल नहीं बचा, वन पॉइंट पहले एक संख्या करना है, दस पॉइंट पाँच आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, दो एक कम दो एक नोट करेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आएगा, ये आपका दस कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो 10.5 मीटर आएगा, ठीक है, और इस क्षेत्रफल का इसका आंसर यहाँ पे चाहे हाँ लिख ही लेना बेटा, इसका होता मात्रक होता है ना क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर, ये हमने पहले क्लास में बता दिया था, तो ओके इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका सिक्स, ठीक है, देखो सिक्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक जो है 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो ये जो बना है ये कितना है 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, आगे आपका कहा है, ठीक है, आगे क्या कहा है आपका, पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपका पार्क का अर्धव्यास, अच्छा अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास तय क्या होता है, अर्धव्यास यानी अगर सिंपल सा समझो तो भाई अर्धव्यास क्या होगा, पूरा व्यास डी होता है, यहाँ देखो आर आर होता है तो आर होगा ना भाई, टू आर होता है तो आधा आर होगा ना, ठीक है आर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया, जब हमने ये मान लिया ये छोर पे जो अंदर गोला है वृत्त उसको आर वन मान लिया, बाहर वाले की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने आर टू मान लिया, ठीक है अर्धव्यास, ठीक है, तो ये इसको आप सीधे अर्धव्यास को आप आर वन लिख सकते हैं, ये 14 मीटर है, जो आएगा कैसे देख लो,
जो व्यास होता है, अगर इसको समझना चाहे ना तो ऐसे यहाँ पे देख लेना, जो व्यास होता है डी बराबर टू आर होता है। डी बराबर क्या होता है? टू आर होता है। आधा करना है तो यहाँ पे दो से भाग कराओगे, यहाँ पे दो से भाग कराओगे, तभी तो आधा व्यास हुआ। इधर मैं आधा व्यास करना है ना, इधर आपका निकट जाएगा, तो आधा व्यास देखो आर के बराबर होता है, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, तो वही आर वन 14 मीटर हो गया। ठीक, अब अगर आर टू निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो रास्ते का जो रास्ता देखो, यहाँ पे ये आपका दिया है, ठीक है, और ये आपको दिया है। अभी आपने अगर फार्मूला लगाते हैं हम, तो आर टू क्या था अभी, अगर हम क्या करें, अगर रास्ते का चौड़ाई निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, इसको इसको से पूरे वाले से इसको माइनस करते हैं, यही तो फार्मूला बनता है, अभी बना था। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, आर टू माइनस आर वन, क्या निकालने के लिए, चौड़ाई निकालने के लिए रास्ते की। ठीक है, तो लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई रास्ते की। ठीक, ओके, तो यहाँ पे आर टू की जगह आर टू निकालना, ऐसे लिख देंगे, यही तो निकलेगा। ओके, अब समझ में आ रहा ना। ठीक भाई, अगर आपको ये निकालना है, इसको समझो कि मेरे पास अभी 2.1 नहीं दिया है, तो ये इस पूरे वाले से इसको माइनस करना पड़ता है ना, तभी तो ये निकलता है, तभी तो रास्ते की चौड़ाई पता चलती है। भाई रास्ते की चौड़ाई यही तो होगी, रास्ते की चौड़ाई ही होगी, नहीं चौड़ाई रास्ते की, यहाँ रास्ते की चौड़ाई लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, रास्ते की चौड़ाई, नहीं 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 चौड़ा, अच्छा प्लस, हाँ प्लस कैसे हो सकता था, कैसे हो सकता था, ये आर वन जो, देखो एक और इसमें देखो देखो देखो, ये कर सकते हो, दूसरी चीज क्या कर सकते हो देख लो, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ, यानी आर टू जो है किसके बराबर है, पहले इसको जोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे तभी तो पहुंचेगा, समझ में आएगा। चाहे इसकी जगह ये कर लेना भाई, आर टू किसके बराबर होगा, आर वन जब अब रास्ते की चौड़ाई को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना आर वन प्लस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई, चाहे ये कर लेना चाहे ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लेना फार्मूले में, चाहे ये कर लेना, तो आर वन का यहाँ पे मान रख देंगे, आर वन कितना है आपका, आर वन आपका है 14। ठीक है, और यहाँ पे 14 रख देंगे प्लस, ठीक है, ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2.1 है, ये हो जाएगा आर टू बराबर 2.1, ये हो जाएगा प्लस का 14, वही हुआ प्लस का। ठीक है, तो आर टू बराबर निकल आएगा, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16.1 हो जाएगा, ये हो गया आर टू। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसमें फाइनल निकालना है क्षेत्रफल निकालना है रास्ते का, इसमें चौड़ाई भी निकालना है क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले वृत्त से, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो निकल आएगा। ठीक है, तो बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला क्या होता है आपका क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो गया पाई, फिर इसकी त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर टू, तो यहाँ पे आर टू का स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वाले का क्या है पाई, इसकी त्रिज्या आर वन का स्क्वायर, पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आर टू, तो आर टू का मान क्या है 16.1। ठीक है, 16.1, अगर थोड़ा और इसको सॉल्व करो तो ये हो सकता है आपका 16.1 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा ना, ये भी तो लिख सकते हो मीटर, सारे वैल्यू क्या है मीटर। ठीक है, तो ये भी तो लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 161/10 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सा बैठ गया, फिर माइनस, और बात कर लें अगर हम आर वन की तो 14 है, 14 का स्क्वायर, अभी सेम सवाल ऐसे हमने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, पाई का मान रख दो 22/7 अंदर, ये हो जाएगा 161/10 प्लस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 161/10 माइनस का 14। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 161 प्लस का 140/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 161 माइनस 140/10, ओके, ये हो जाएगा बेटा 22/7, इसको जोड़ दो कि कितना हो जाएगा आपका 0
6 4 10 301। अभी हमने साथ सेम सवाल ऐसा किया गया ना, अभी है ना, यहाँ पे 21 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा भी लगा दो। ओके, अब ये देखो 7 * 21 कट जाएगा, 2 से काट दो, तो 5 * 10 और 2 * 1 = 2, अब कुछ नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अब 11 गुणा करा दो, 11 * 1 बेटा 11 11 * 3 33 गुणे में 3, नीचे क्या है कितना है 50, ठीक है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 5 * 10 ही लिखो अभी, ठीक, चाहे 50 लिख दो। ओके, अब क्या गुणा कराओगे, नीचे वाले मत कराना, नीचे वाले गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 * 1 = 3, ऊपर वाले का 3 * 1 = 3, 3 * 3 = 9, 3 * 3 = 9 और 5 * 10 आ जाएगा। अब 5 से ओनली आपको भाग देना पड़ेगा, 50 से नहीं, ठीक है। जब भी 0 होगा तो 0 कॉमन बाहर ले रखो, ठीक है, क्यों, देखो अभी 5 से जब आप भाग दोगे 99/33 को, तो देखो क्या आ जाएगा आपका, 5 * 1 = 5 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 9 को उतारेंगे, 5 * 9 = 45 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 3 उतारेंगे, 5 * 40 लगाएंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 उतारेंगे, 5 * 6 = 30 लगाएंगे, 3 बचा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 * 6 = 30 कर देंगे, ठीक। ये हमने जब भाग से ओनली जब 5 का भाग कराया तब ये आपका आ गया 1986.6 और नीचे में 10 बचा, बचा है नहीं बचा है। ओके, अब क्या होता है, जितनी जितने नीचे 0 होते हैं उतनी संख्या इधर पॉइंट आता है। ओके, इस साइड इधर हमारे यहाँ जा ऐसे जाता है, समझिए जैसे आप लिखना चालू करते हो उधर जाता है, ठीक, ये पॉइंट लगा है तो यही पॉइंट इधर आएगा, तो ये आपका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा 19.866 m². ये आपका होगा। ओके, एक पॉइंट, एक जीरो, एक पॉइंट, या तो आप चेक करना है इसको भाग दे देंगे, भाग दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक। ओके, कोई सी बच्चे कोई डाउट बोला भी समझ में आ गया, कर लेंगे अच्छे से, ठीक। ओके, फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिए और 7 हाँ बताना ही पड़ेगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7, ठीक है। देखो 7 में क्या लिखा है, वैसे 7 नंबर में आप कर सकते हैं, तो एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि दिया है आपको 132 m, ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग है, तो पहले जैसे अभी चित्र बनाया था सेम खेल वही है, सेम वही है भाई आपकी, ये इसमें क्या था, यहां से लेकर यहां तक पहले देखो, ये आपकी त्रिज्या क्या थी, R1 थी, ये त्रिज्या को आप R2 मान रहे थे, पहले रख दो। ओके, अब क्या कहा है, जो भीतरी परिधि है, ठीक है, भीतरी परिधि, भीतरी यानी अंदर वाली, ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पर बेटा भीतरी, भीतरी परिधि, तो भीतरी परिधि क्या हो जाएगी आपकी 2π R1, क्योंकि त्रिज्या की R1 है, भीतरी परिधि जो दी है वो कितनी दी है आपकी 132 m दी है, 132 m 2 और पाई का मान होता 22/7 × R1, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको तो 2 × 1 = 2, 2 * 12 फिर 2 * 12 फिर 11 * 11 = 22 11 * 6 = 66 2 * 1 = 2 2 * 3 = 6 गुणा कराएंगे तो R1 = 7 * 21 m आ जाएगा, यानी R1 आपका कितना आ गया 21। अब R2 भी निकालना है आपको, ठीक है, तो R2 निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका 7 नंबर ना, हाँ देखो लिखा हुआ है जो प्रत्येक स्थान से 7 m चौड़ा रास्ता है, अरे ये जो है सेम सवाल था बेटा, सेम सवाल, देखो ये जो है 7 m है, यही तो है, तो आप क्या क्या करते हैं, जो R2 निकालने के लिए क्या करते हैं, R2 बराबर क्या होता है R1 और रास्ता की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो ये हो जाएगा R2 बराबर R1 कितना है आपका 21 और प्लस रास्ते की चौड़ाई है 7, जरा जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 28 m हो जाएगा। अब आप वही कर लो, क्या निकालना है आपको बेटा क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, हाँ पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर उसमें 32 पैसे का गुणा कराना है ना, प्रति वर्ग मीटर की क्षेत्रफल दर से बताना है, ठीक है, मतलब एक जो इसमें क्वेश्चन में लिखा है जो व्यास है, व्यास
32 पैसे प्रति वर्ग मीटर है कि ठीक है, तो 32 थोड़ा कर देना जो भी निकले क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है आपका क्या करेंगे बड़े वाले से, यानी पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर। ओके, अब पाई को बाहर अगर कॉमन ले लेते हैं तो वहां बचेगा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। तो पाई, ओके पाई का मान रख दो बेटा जैसी आपकी इच्छा है। क्या होता है 22/7, ठीक है। चलो अंदर आर टू कितना है आपका, आर टू निकाला आपने 28, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना बेटा 21 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 22/7 28। देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा आपका 28+21। यहाँ पे वर्ग भी खोल सकते हो लेकिन वर्ग मत खोलना, देखो उसकी वजह ये होती कि वर्ग निकालने का आप 28 का वर्ग करो, 21 का वर्ग करो, फिर क्या करोगे मल्टीपल करोगे, घटा दोगे, एक गुणा होगा ना भाई 28 के वर्ग से और इसके वर्ग से, पहले गुणा आप उसमें करो, निकालो जैसे भी, फिर इसको माइनस करो, ठीक है। इससे बढ़िया ये कर लो, यहाँ पे ये कट जाता है, कन्फर्म है इधर वाले से कटेगा, देखना भी चाहे यहाँ पे जगुड़ा लगा दो, 28 को जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। देखो बनेगा, कटने वाला नहीं, कटने वाला कन्फर्म कटने वाला बनेगा, ठीक है। और आगे इनटू में इसको हटाओ कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखो ये 7 अपने आप कटेंगे, कटेंगे ओके, अरे 7 से देखिए 7 कटेंगे ना, अब सिर्फ गुणा करा दो इसका, इसका ठीक है। तो इसका गुणा करा दो यहाँ पर, किसका 49 का गुणा कराना है आपको, 49 का गुणा किस में कराना, 2 में, तो दोनों में 18 और 4 × 2 = 8 = 9, ठीक है भाई, 2 × 2 = 18, 2 × 4 = 8 = 9, ये 98 आ गया, दोनों वाले तो 8, 7, 9, 1, 10 कितना आ गया 10 78 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे लिखा हुआ है जो रास्ता है, जो क्या बोलते हैं आ गया रास्ते का जो 7 नंबर है, हाँ नंबर समतल, देखो आगे लिखना है रास्ते को समतल कराने में वे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रास्ते को, यहाँ पे रास्ते को समतल यानी बराबर, ठीक है, समतल कराने में व्यय, व्यय होता है आपका खर्च, ठीक है, व्यय बताना है। तो आपका लिखा है 10/78 कितना लगा था, एक में कितना लगा था, एक में लगा था 32 पैसे, ठीक है, 32 पैसे है, पहले इसको समझिएगा पैसे है, ओके। तो गुणा करा दो कि इसको कितना आएगा, जरा पैसे से गुणा कराना है, कराओ गुणा कितना आएगा, जरा गुणा कराओ, जो विषय फास्ट कराइए, देखिए कौन सबसे पहले करा लेगा, ठीक फास्ट, ठीक है। 32 पैसे को अच्छा लिखोगे कैसे, पहले एक चीज और देख लो, पैसे को कैसे लिखोगे भाई, ऐसे लिख सकते हो ना 0 रुपये 32 पैसे, नहीं तो लिखोगे, तो इसको एक बार एक करना, 32 पैसे को आप पैसे में लिख रहे हो ना, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। चलो हाँ 32 सही हुआ आपका, आप गुणा कराओ जो कितना आएगा आपका, ठीक। चलो जल्दी से कराओ, सब लोग कराओ गुणा, हाँ फिर बताऊंगा कितना आएगा, जो हाँ हाँ बताइए, दे चाहो जल्दी बताइए, मेरा कोई मत बताना, अपना बताना, ईमानदारी से बताना, मैं गलत कर रहा हूँ, है सब लोग मैच ले जाना है कन्फर्म, ठीक। तो आपने जब बुरा कराया तो आपका कितना है, यहाँ 34, 49, 6, दो संख्या बाद पॉइंट 1, 2, तो ये आ जाएगा, अब आंसर किस में आएगा, रुपए में, ठीक है। तो 344 रुपये 96 पैसे ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके समझ में आया, नहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे लग रहा आपको है, बताइए क्या है, बोलिए यहाँ पे, देखो लिख रहा देखो उसे, देखो एक मिनट, नहीं नहीं हाँ हाँ, सबसे पहले 32 पैसे लिखा, 32 पैसे लिखा, 32 पैसे को अगर मैं रुपए में चेंज करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसको करना पड़ेगा, तो पैसे में आंसर रहेगा, फिर रुपए में चेंज करो, दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे,
चलो एक मिनट, 35 से आप गुणा करा दो पहले, 35 से बिना जीरो के अगर यहाँ पे गुणा कराओगे, पहले यहाँ पे समझो, बिना जीरो गुणा कराओगे तो आपका ये आंसर आएगा, आएगा बिना जीरो के 32 पैसे से। ये आंसर किस में आएगा आपका बेटा? पैसे में आएगा। अब अगर इसको मुझे रुपये में चेंज करना है, तो एक रुपये को अगर पैसे में चेंज करना होता है, तो एक पैसे को अगर रुपये में चेंज करना है तो क्या होता है? 1/100 होता है, यही तो होता है भाई। एक रुपये में, सॉरी, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, रुपये की बात कर लें। अगर पैसे की बात करें, इसके नीचे आ जाएगा एक प्रति, ये हो जाएगा ना आपका फाइनल काम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक भाई, फिर इसमें आप 100 से डिवाइड कराओगे, कराओगे रुपये में बदलने के लिए, तो आपके दो संख्या बाद पॉइंट लगा दोगी, बात वही आएगी। तो हमने डायरेक्ट यहाँ 32 में करा दिया रुपये से गुणा, तो 32 में रुपये से गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? 32 भाग हो जाएगा 2 जीरो से, 0/32। ओके, किसी को कोई डाउट? अरे पूछिए तो, डाउट सारे क्लियर होंगे, आप पूछिए तो। तो ओके बेटा, आज की जो है क्लास को यहीं रखते हैं, आप लोग बहुत देर तक नोट भी करते हैं सवाल, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से, और सभी बच्चे ध्यान देंगे, सवाल की प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमने सवाल बताए हैं, आप नोट कर लिए हैं, ठीक है, आप लोग भी इतनी शॉर्ट ले लीजिए, तो नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, कि आया या मुझे नहीं आया, फिर मैं उसको दूसरे मेथड से भी आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो ओके बेटा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।